देखिए, मैं इसको संकट नहीं कहता। पहली बात तो सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूं। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था कि जी क्या केसेस जो हैं उनका आप क्या कर रहे हैं। वो उनको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था जहां अपनी पूरी स्टेट की बात और लोगों को पता चलता कि सचिन पायलट करप्शन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और वो सीएम को उसका जवाब देना पड़ना था वहां। तो जो आप बोलते हैं विधानसभा में, उसके लिए वो उनको बाउंड होना पड़ता है कि उसके ऊपर क्या बोलेंगे। वो भी छोड़ दिया, मैं वहां का प्रभारी हूं। मेरा ख्याल है कि उतनी बार मेरी और सीएम की मीटिंग नहीं हुई जितनी बार मेरी और सचिन पायलट की मीटिंग होती है, क्योंकि मेरा 86 से इस परिवार के साथ, इस फैमिली के साथ रिलेशन है। तो मैंने एज ए पॉलिटिकल आदमी, जब पॉलिटिशियन या लीडर, इनको कभी भी नहीं लिया। मेरे को ही बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। और साथ ही साथ इनको ये भी कहना चाहिए था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का जो संजीवनी है स्कैम, उसकी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई जी। उसके आगे इनको कहना चाहिए था कि उसकी अरेस्ट करो, और साथ ही सुंदरा के जो केस हैं उनकी इंक्वायरी करो। वो तो था पार्टी का है वो सब। दूसरी बात जो, हाँ मैंने कहा कि ये एंटी पार्टी है। जो मैंने पहले दिन इनकी इंटरव्यू जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मेरे को नहीं लगा कि ये प्रो पार्टी है। अगर जो बातें मैंने कही हैं, अगर वैसे बात की जाती तो मैं कहता कि ये प्रो पार्टी है। तो अब बात करेंगे, आज भी मैं यहाँ हूँ, आज भी आधा घंटा बात हुई है, कल फिर करेंगे। और पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहाँ जयपुर में हुए, आज के नहीं जो पिछले भी हुए, उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उनकी गलती है। तो पूरा मैं रिपोर्ट दूंगा। अनुशासन मानते हैं कि सचिन पायलट ने जो किया है, अनुशासन हीनता है वो, अनुशासन। मेरा ख्याल कि जितना मैंने बोल दिया है, अब उसमें से आप निकालिए कि मैंने जो कहा है तो वो प्रो पार्टी है कि या एंटी पार्टी है। रंधावा जी, ये जो एंटी पार्टी एक्टिविटी, ये चीज राजस्थान में पहले भी सुनने को मिला था, जब विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई उस समय भी कहा जा रहा था कि उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। पार्टी का अगर मैं उस टाइम होता तो आपको मैं उस बात का भी आज जवाब दे देता। मैं एक बहुत आउट किस्म का पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा एक जट आदमी हूं कि जो ठीक है उसको ठीक कहूंगा, जो गलत है उसको गलत कहूंगा। लेकिन सर एक बात बताइए, लेकिन सर आपके नोटिस के बाद अनशन वहां पे किया जाता है, आपको नहीं लगता कि अनुशासन? आप मेरे को दो दिन का तो टाइम देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके सवाल पर कि उस समय आप होते तो कार्रवाई करते, आपको लगता है आज आप हैं? देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।